पहली ते वड्डी खबर, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 9 मैंबरी कमेटी का गठन कर दिता एक निशान हेठा। सिखां दीआं जथेबंदियां इकट्ठियां हुंदियां दिखाई दित्तियां जदों 9 सिख लीडरां दा नाम इस विच आया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान HS धामी, सिमरनजीत सिंह मान, श्रोमणी अकाली दल अमृतसर बाबा बलजीत सिंह दादूवाल अते दमदमी टकसाल दे मुखी बाबा हरनाम सिंह धूमा पिंडरां वाले नहिंग सिंह जथेबंदियां, तरना दल हरिया बेलां दे मुखी निहाल सिंह अते दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के नवें प्रधान हरमीत सिंह कालका अते दिल्ली तो श्रोमणी अकाली दल के प्रधान परमजीत सिंह सरना भी इस विच शामिल ने। मनजीत सिंह जीके नूं भी इस फहरिस्त विच रखा गया है। तो एक पासे सिख जथेबंदियां एक निशान हेठां इकट्ठियां होईयां, दूजे पासे सब तो वड्डा इतराज रवनीत सिंह बिट्टू बेंत सिंह दे पोतरे ने किया। फेसबुक ते पोस्ट पाके बिट्टू लिखते हैं कि राजुआणा ते हवारा नूं जेल तो रिहा करवाउण लई SGPC ने 9 मैंबरी कमेटी का गठन कर दिता है। असी लोगों का एक समूह बनावांगे, बिट्टू कहिंदे ने असी पैरलर धड़ा खड़ा करांगे। बिट्टू का कहना है कि अतवादी हमलों के शिकार होए पीड़ित परिवारों नूं इकट्ठे करांगे, कमेटियां बनावांगे, पीड़ित परिवारों बारे ये जाणू सरकार नूं करावांगे। जे इन्हां नूं रिहा किया जाता है तो सानूं जान तो हथ धोना पै सकता है। इन्ना ही नहीं, बिट्टू कहिंदे ने कि कमेटी पंजाब के हज़ारां अतवाद पीड़ित परिवारों की मदद करन की बजाय नफरत फैलाउण वालियां नूं छडवाउण लई केंद्रित है। रवनीत बिट्टू पैरलर मोर्चा SGPC वालों गठित की 9 मैंबरी कमेटी के खिलाफ खोल चुके ने। वड्डी मुखालफत का अंतरिम पॉइंट की होएगा, विराम चिन्ह की होएगा, सब तो अहम सवाल ही इस चर्चा ते घूमेगा। सीधा अमृतसर लैके चलेंगे, परमवीर ओलख मेरे सहयोगी, इस खबर से ज़्यादा जानकारी की सांझ पाउणगे। परम, देखो एक पासे SGPC 9 सिख लीडर, दूजे पासे रवनीत सिंह बिट्टू, की मनिया जाए इस पूरे मसले पर, केंद्र ते की जोर अजमाइश होएगी जां रवनीत बिट्टू पैरलर धड़ा बनाउण जा रहे हैं, उस दे की मायने होणगे? क्योंकि एक पासे 9 मैंबरी कमेटी का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों गठन हो जाता है, तो गठन उस बंदिया का होंगे, एक झंडे थले बंदे आते हैं, वो लीडर आते हैं, वो शख्सियत आदि ने जिड़ियां कितने ना कि सियासत एक दूजे के खिलाफ जोड़े है सियासत चोणा लड़ते रहे हैं, चाहे वह सरना होना की गल कर लीए, चाहे असी मनजीत सिंह जीके की गल कर लीए, हरजीत सिंह कालका की गल कर लीए, असी गल कर लीए श्रोमणी अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल की गल कर लीए। सो कई मोढ़ी जड़े ने वो इस कमेटी के लए गए ने, वक्त हिस्सों तो तुम देखा होना, दिल्ली तो भी लए गए ने, हरियाणा तो भी, हरियाणा कमेटी के जोड़े प्रधान ने बलजीत सिंह दादूवाल, निहंग जथेबंदियों के जोड़े तरना दल के मुखी ने वह लए गए ने, दमदमी टकसाल के भिंडर वाले के जोड़े मुखी ने वह लए गए ने। सो सारे ही मिला के एक 9 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया, जिस दे विच मुद्दे जोड़े है, सब तो पहला मुद्दा तो बंदी सिंह की रिहाई है, जोड़े 30-30 साल तो जोड़े जेलां कट रहे हैं, सब तो वड्डा मुद्दा जोड़ा है उसे लैके एक कमेटी गठित की गई है। पर नाल ही श्रोमणी कमेटी के जोड़े प्रधान ने हरजिंदर सिंह धामी, उ इस कमेटी का जोड़ा रहनुमाई हेठ उन्होंने हो रही है, क्योंकि उ प्रधान चुने गए हैं इस कमेटी के भी, यानी कि जी भी मोहर लगेगी वो धामी होर जोड़ा वह अंडर होके लगेगी, यानी कि उ मोहर लगाएंगे तो ही वह मता पास होएगा। हुण असीं गल कर लैंदे आ दूजे पासे रवनीत सिंह बिट्टू की, उन्होंने भी एक गल साफ कर दी है, फेसबुक से पोस्ट पा दी है कि जिहड़े अतवादी पीड़ित ने, यानी कि अतवादी जिहड़े शिकार होए ने, जिहड़े परिवार शिकार होए ने अतवादियों के, उन्होंने परिवारों को लैके एक असी भी समूह तैयार करांगे, असी भी कमेटी तैयार करांगे, असी भी जिहड़ा केंद्र तक पहुँच करांगे, जां दिल्ली दीआं सरकारां, यानी कि सरकारां तक असी कह सकदे आ, पंजाब की सरकार तक, सारे तक असी पहुंच करांगे कि किते ना किते जिहड़े इह जिहड़े लीडर ने, जिन्हां दी जिहड़े इह लोक ने, जिन्हां दी बंदी सिंघां दी रिहाई वास्ते इह जिहड़ियां शख्सियतां अगे मोहरे आईआं ने, इन्हां दी रिहाई ना कीती जावे। जेकर असीं प्रोफेसर रविंद्रपाल भुल्लर की गल कर लईए, भाई राजूआणा की गल कर लईए, होर शख्सियतां किन्नियां ने, कृष्ण, इन्हां तों पिछे भी नाम काफ़ी ने जिहड़े कि बंदी सिंघां दी, इन्हां दे साथी संगी असीं कह सकदे हां, जिन्हां ने नाल पूरी शमूलियत सीगी, चाहे कोई भी घटना जिहड़ी पंजाब दे विच वापरी
तो सारे मिला के ही कितना कितने रमनीत बिट्टू का यही कहना है कि असं एक समूह तैयार करने वाले हाँ, जेकर श्रोमणी कमेटी एक समूह तैयार कर सकती है इन्हों छुड़वाण वास्ते तो असी इन्हों ना छड़न वास्ते भी एक समूह जोड़ा है वो तैयार करांगे जी। बहुत शुक्रिया परम जानकारी देने दे लई। सो एक बड़ा मोर्चा पंजाब दे विच एक निशान साहब हेठां इकट्ठा होया है, बहुत घट इस तरह के जिहड़े वो मोर्चे देखे गए ने, हालांकि 36 साल बाद इस तरह की जिहड़ी सिख एकजुटता वो देखी जा रही है।